You can watch this video with English audio on my alternate channel youtube.com/careermasterchannel. I have shared the link of the video in the description of this video. Assalamu alaikum, namaste, hello and welcome. मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, आप अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जैसा कि आप सबको पता है कि सीयू से 2021 की लेटेस्ट जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। एक खास वीडियो सीयू से 2021 की लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं लेकर हाजिर हूँ। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों से शेयर करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। आगे देखते हैं कि क्या अपडेट है सीयू से 2021 के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि सीयू से 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय भी कहते हैं, उसने पहले भी कहा है कि वो सीयू से 2021 के माध्यम से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी स्नातक लेवल के जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन ले सकती हैं। एक नई जानकारी आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने शेयर किया है रिपोर्ट के माध्यम से। सीयू से 2021 कक्षा 12 के मार्क्स या टेस्ट से होगा दाखिला, डीयू दोनों के लिए तैयार। ये रिपोर्ट है, आगे देखते हैं रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि सभी केंद्र विश्वविद्यालयों के लिए होने वाले कॉमन एंट्रांस टेस्ट की तैयारी अभी तक अधूरी है। इसके बारे में मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ कि अभी तक तैयारी अधूरी है। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर DUCC के अधिकारियों ने कहा है कि यदि इस साल से एंट्रांस टेस्ट से एडमिशन शुरू हो तो उनकी टीम को एडमिशन का नया पोर्टल डेवलप करने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण इस साल भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 की परीक्षाओं में देरी हो रही है। इतना ही नहीं, कोरोना के कारण अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं भी लेट हो रही है। DU केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से कॉमन एंट्रांस टेस्ट पर लिए जाने वाले फैसले के इंतजार में है। इस पर भी निर्भर करता है कि इस साल 12वीं कक्षा का रिजल्ट किस तरह से तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं रिपोर्ट में क्या कहा गया है। DUCC के ज्वाइंट डायरेक्टर संजीव सिंह ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा है कि हम अभी तक कोई पोर्टल या टेस्ट डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें कुछ भी पता नहीं है कि किस तरह के फंक्शंस की जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं पर बिना अनिश्चितता की स्थिति के अलावा पोर्टल डेवलप करने वाली 5 सदस्यीय टीम में 2 लोग अभी कोरोना की बीमारी से उबर रहे हैं। जब टीम के सदस्य कोरोना से उबर कर काम पर वापस होंगे तो उसके बाद एडमिशन के लिए प्रशासनिक पोर्टल तैयार करने में 8 से 12 हफ्तों यानी 2 से 3 महीने का समय लगेगा। आगे क्या कहा गया रिपोर्ट में, पिछले साल शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रांस टेस्ट की फॉर्मेलिटीज को देखने के लिए एक समिति का गठन किया था। सरकार की ओर से ये पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत की गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी CUSET कमेटी के सदस्य और वाइस चांसलर PC जोशी ने बताया कि यदि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है तो इस प्रकार टेस्ट जरूरी हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 12 के मार्क्स के आधार पर DU में हर साल एडमिशन होता है। अगर 12वीं की परीक्षाएं नहीं होती है तो CUSET का आयोजन जरूरी हो जाएगा, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में समझौता ना किया जा सके। तो जैसा कि आपने ये रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। उसमें क्लियरली कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तैयार है CUSET में शामिल होने के लिए, और ये और भी जरूरी हो जाता है अगर कक्षा 12वीं यानी 12th के एग्जाम्स नहीं होते हैं CBSE या दूसरे स्टेट बोर्ड्स के द्वारा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी अहम जानकारी मिल चुकी होगी। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो इंतजार में रहते हैं CUSET के अपडेट्स के बारे में, आपके साथ एक और नया अपडेट आपको मिल गया है, आपके साथ है। इसी तरह से मेरे अपडेट्स को जानने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहा करें। थैंक्स अ लॉट, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस।